जब हमारी सरकार आई तो आते ही तो एक बहुत बड़ा चुनौती हमको पकड़ लिया, हमारे पूरे राज्य को ढक लिया, पूरा देश दुनिया को ढक लिया, जिसको कोरोना कहा हम लोग। कोरोना महामारी सरकार बनते ही ठीक से हमारा मंत्री लोग शपथ भी नहीं लिया था, पूरा दुनिया ठप, लॉकडाउन हो गया, गाड़ी मोटर हाट बाजार दुकान स्कूल कॉलेज फैक्ट्री तैक्ट्री सब बंद, पूरा भारत वर्ष पूरा दुनिया मानो रूस आ गया। और इस चक्कर में आपको यह भी याद होगा कि इस लॉकडाउन के कारण हमारे राज्य से कई लाख लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार करने के लिए जाते थे और उनको अचानक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, किसी को फैक्ट्री मजदूरी से बाहर कर दिया गया, फैक्ट्री से निकाल दिया गया, ड्राइवरी का भी काम करता था तो मालिक उसको भी भगा दिया, अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्यों के लोगों को भगाने लगा लोग, बहुत डरावना और भयावह माहौल था, उसमें भी लाखों मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में जाके फंस गए, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, ना ट्रेन चल रही है ना बस चल रहा है ना मोटरसाइकिल ना कोई भी चीज, व्यक्तिगत रूप से जिसका जो क्षमता था कोई मोटरसाइकिल से चल दिया मुंबई से, कोई साइकिल से चल दिया महाराष्ट्र से, कोई पैदल ही चल दिया दिल्ली से, ये आलम हो गया। और कई लोग तो चलते 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 पूरा बाल बच्चा के साथ, जो लोग चला गया था वो लोग वापस चला, कई लोग तो रास्ते में दम तोड़ दिया, कई महिलाओं ने बच्चों को सड़क में जन्म दिया। इतना डरावना दिन, और उस समय जब हमको ये पता चला कि हमारे तो लाखों गांव का लोग दूसरे राज्यों में जाके फंस गया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे देश के अंदर, लेकिन लॉकडाउन को जरा सा भी ढील न देने के लिए कोई भी सहूलियत नहीं दिया, नतीजा अनेकों लोगों की इस लॉकडाउन में अपनी घर वापसी में अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उस समय सबसे पहले देश में हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने मजदूरों को हर हाल में कहीं भी देश का कोना हो सात समुंदर पार हो वहां से उठा के लेके हम आएंगे। अपने मजदूर भाइयों को जो कभी जीवन में हवाई जहाज में नहीं चला, और हमारे जो विपक्ष के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, आज तो बेचारा उनको हवाई जहाज में नहीं चढ़ाया लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर जरूर किया, लेकिन इस कोरोना काल में उन हवाई चप्पल वाले मजदूर भाइयों को भी हम हवा जहाज से ढो ढो करके लाए और गांव भेजने का काम किया। डेढ़ साल पौने दो साल इस कोरोना ने हमारा बर्बाद किया, कुछ काम धाम नहीं होने दिया, फिर थोड़ा सा कोरोना का झुंड छटा तो हमने जो आपसे वादा किया था वादा के अनुरूप सरकार जो आपके लिए कार्य योजना बनाती है उन कार्य योजना का गठरी बना करके हमने गांव गांव पंचायत पंचायत शिविर लगाने का काम किया, और उस शिविर के माध्यम से हमें कई ऐसी चीजें देखने सुनने को मिला जो हमें बहुत विचलित और हैरान कर दिया। पहला शिविर के माध्यम से 35 लाख आवेदन गांव से हमको मिला, दूसरा शिविर लगाए 55 लाख से अधिक से आवेदन हमें मिला, तो
तो हमने ये सोचा, अरे भाई क्या हो गया, इतना एक एक करोड़ के लगभग आवेदन गांव से कैसे निकल रहे हैं। विगत 20 वर्षों में हम सरकारों ने कौन सा ऐसा काम किया कि आज इतना समस्या गांव के अंदर भी पड़ा है। इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में अब ना हमारा ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय काम कर रहा था। आज उन आवेदनों से हमारे गांव के